नमस्कार दोस्तों, May 19, 2023 फ्राइडे आरबीआई ने अनाउंस किया मार्केट में जितना भी 2000 का नोट है वो एक्टिव सर्कुलेशन से विथड्रॉ कर लेगा और इसका प्रोसेस आज से मतलब 23rd ऑफ मई से शुरू हो गया है जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। अब सवाल हर किसी के मन में आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि 2000 नोटों को फिर से डिमोनेटाइज करने की जरूरत पड़ गई। सिर्फ कुछ ही साल हुआ था इसको निकले हुए तो फिर से इसको डिमोनेटाइज क्यों किया जा रहा है? क्या इसके मतलब में नया नोट रिलीज होगा या फिर जो चल रहा है वही चलता रहेगा? क्या इससे इंडिया का इकोनॉमिक्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होगा जो शायद आपके मन में चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर आपके मन में जितना भी सवाल है उनका A to Z आंसर हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ साल पहले फ्लैशबैक में जाना होगा। तो आज से 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मोदी जी ने सभी 500 और 1000 नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया था। मतलब कि सभी 500 और 1000 रुपए बैन हो गए थे। अब उन्होंने कहा कि भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के पास जो ब्लैक मनी है उसको हमें पता चल सके। और वैसे हुआ भी, बहुत सारे लोगों को ऐसे पता चले जिसके पास बहुत सारा मतलब बहुत ही ज्यादा कालाधन छुपा हुआ था। हालांकि इसमें आम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा। बैंक में जाना, लाइन देकर वेट करना, फिर एक्सचेंज करना, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बीमार भी हो गए थे। पर फिर भी देश के खातिर लोगों ने इतना सैक्रिफाइस तो किया। अब यहाँ पर बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जब 500 और 1000 रुपए ले लिया गया था तब इतना ज्यादा अमाउंट को हैंडल करना तो मुश्किल ही था। मतलब कि मार्केट से अगर इतना पैसा बैंक में आ रहा है तो फिर बैंक से भी तो उतना ही ज्यादा मार्केट में जाएगा। सरकार के पास टाइम भी थोड़ा सा कम था नए नोट प्रिंट करने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि नवंबर में जब लोगों को इसको बारे में मतलब कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में लोगों को बताया गया उससे 6-7 महीने पहले से ही इसका प्रिपरेशन हो चुका था। मतलब कि नए नोट तभी से बनाना शुरू कर दिए थे और जो 2000 नोट था उसका डिजाइन भी बन चुके थे और वो प्रिंट भी हो रहे थे। अब ये 2000 का नोट उन्होंने क्यों रिलीज किया, इसको क्यों प्रिंट किया, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि इतने बड़े अमाउंट को बैलेंस करना। क्योंकि आप खुद सोचिए, इतना लाख करोड़ अमाउंट अगर उनको सिर्फ 500 और 1000 में प्रिंट करना होगा तब उनको कितना टाइम लगेगा, वक्त भी कम है। तो उन्होंने 2000 का एक बड़ा नोट निकाला ताकि इस जो प्रोसेस है इसको जल्दी से कर पाए। मतलब आप समझ रहे हो, 2000 नोट को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि जो डिमोनेटाइजेशन के वजह से अमाउंट आया उसको मेंटेन कर पाए। पर कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को भी पता था कि ये 2000 का नोट आम लोगों के बीच में चलने वाला नहीं है इंडिया में। वो क्यों? रीजन काफी सिंपल है। नंबर वन, मार्केट वैल्यू। 2000 नोट का जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। एक बात आप समझ लो, आप किसी चीज को तभी यूज नहीं कर पाएंगे जब वो बहुत ज्यादा चीप हो या फिर बहुत ज्यादा महंगा। अब 2000 नोट के साथ यही चीज हुआ। इंडिया का जो मार्केट है, डेली ट्रांजेक्शन मार्केट है, उसके हिसाब से 2000 का नोट बहुत बड़ा एक अमाउंट है। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने बाजार गया और फिर वहाँ पर 200 या 500 रुपए की खरीदारी की और फिर आपने उसको 2000 रुपए दे और फिर बोला कि 1500 रुपए बैक देने के लिए। आप खुद ही सोचिए कि सारा दिन में उनका 2000 रुपए का प्रॉफिट होगा या नहीं, यही पता नहीं है। और ऊपर से आपको 1500 रुपए का चेंज आपको कहां से देगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2000 का नोट होते हुए भी उसका मार्केट वैल्यू इतना ज्यादा है कि भाई उसको यूज ही नहीं कर सकते आप। और इस हिसाब से 2000 का नोट इंडियन मार्केट के हिसाब से प्रेफरेबल बिल्कुल नहीं है। नंबर टू, डिजिटल ट्रांजेक्शन। इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं और जो हर देश के लिए सही भी है कि उस देश के अंदर जो भी लेन देन हो, जो भी ट्रांजेक्शन हो पैसे का, वो एकदम डिजिटली हो। मतलब कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो डायरेक्ट अपने बैंक से उसके बैंक पे डायरेक्ट ये ट्रांजेक्शन कर दीजिए। और इसलिए इंडिया में जो भी ऑनलाइन पेमेंट बैंक है जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, गूगल पे, फोन पे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है ताकि छोटे से लेकर बड़े हर ट्रांजेक्शन UPI के थ्रू हो पाए। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सिर्फ एक ही है कि जब आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हो तब उसका हिसाब सरकार के पास रह जाता है और पैसे सिर्फ एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ऑनलाइन सर्कुलेट करते रहते हैं। और इसलिए पैसे स्पॉइल हो जाने का मतलब कि पैसे फट जाने का या फिर गुम हो जाने का कोई भी रिस्क नहीं रहता है। नंबर थ्री, ब्लैक मनी। 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसका भी मेन टारगेट था कि ब्लैक मनी का पता लगा सके। और ये जो डिमोनेटाइजेशन है इसका भी कहीं ना कहीं टारगेट है इस ब्लैक मनी का पता लगाना ताकि जितना भी ब्लैक मनी है उसका पूरा का पूरा टैक्स सरकार को मिल सके। देखिए आपको बता दें कि जो ब्लैक मनी होता है वो कैश पैसा होता है जिसका हिसाब सरकार के पास नहीं होते। अब अगर पैसे का हिसाब नहीं रहेगा तब उस पैसे का टैक्स भी आपको सरकार को नहीं देना पड़ेगा, मतलब इसमें सरकार का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए 2000 नोटों का जो भी ब्लैक मनी है वो जब बैंक में जमा होगा तब उसका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली सरकार के पास चला जाएगा। नंबर फोर, लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन क्या होता है? तो लाइफ स्पैन कहते हैं एक टाइम पीरियड को जितने समय के लिए कोई नोट या फिर पैसे का जो क्वालिटी है वो बरकरार रहता है। मतलब कि कोई भी नोट जितने समय के लिए मार्केट में लास्टिंग करने का कैपेसिटी रखता है उस समय काल को उस नोट का लाइफ स्पैन कहते हैं। और अगर किसी बैंक नोट का लाइफ स्पैन खत्म हो जाए तो उस बैंक नोट का स्पॉइल होने लगता है, मतलब कि वो डिस्कलर होने लगता है, फेड होने लगता है उसका कलर या फिर वो फट जाते हैं। तो RBI के मुताबिक भी जो 2000 का नोट था उसका भी लाइफ स्पैन 5 से 6 साल के लिए था। तो 2016 में इन नोटों को बनाया गया था तो 2022 में इसका लाइफ स्पैन भी खत्म हो चुका है। नंबर फाइव, लेस ट्रांजेक्शन डाटा। जैसे कि मैंने नंबर वन पॉइंट में कहा था कि इस नोटों का मार्केट वैल्यू इतना ज्यादा है कि लोग इसको यूज ही नहीं कर पा रहा है। RBI के मुताबिक मार्केट में जितना भी 2000 का नोट है उनमें से सिर्फ 10% 2000 का नोट एक्टिव सर्कुलेशन में है, बाकी जो 2000 का नोट है वो अनएक्टिव होकर पड़ा हुआ है। और जब से इसको मार्केट में रिलीज किया गया था तब से इसको यूज करने का जो ग्राफ है वो बहुत जल्दी से डिक्रीज किया था। और ये देखते हुए RBI ने 2018-19 में ही इन 2000 नोटों को प्रिंट करना बंद भी कर दिए थे।
मतलब कि 2019 के बाद एक भी 2000 का नए नोट बने ही नहीं थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अपना क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 नोटों को विथड्रॉ करने का फैसला लिया है। अब ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या होता है, ध्यान से समझिए इसको। क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई का एक ऐसा पॉलिसी या फिर एक्ट है बैंक नोट्स को सर्कुलेशन में यूजेबल एंड क्लीन रखने के लिए, उनको जो भी सही लगता है वो स्टेप आरबीआई ले सकता है। मतलब कि ये आरबीआई का एक डिसीजन होता है ताकि सिस्टम में बैंक नोट्स क्लीनली सर्कुलेट कर पाए। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 27 में कहा गया कि आप किसी भी बैंक नोट्स को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और उनको कॉपी भी नहीं कर सकते। अब सब कुछ समझने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि 2000 के इस नोट को डिमोनेटाइजेशन करने के बाद इसका इफेक्ट सोसाइटी में क्या पड़ने वाला है। अब देखिए, अगर बात करें सोसाइटी के आम लोगों के बारे में तो उनके लिए मतलब कि हमारे लिए ये चीज ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं फैलेगा, क्योंकि वैसे भी हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है ही नहीं, ऊपर से 2000 नोट तो है ही नहीं। लास्ट 2000 का नोट कब देखा था वही याद नहीं, और यही हाल सभी आम लोगों का भी है। तो अगर उनके पास 2000 नोट मैक्सिमम होते भी है 2000 का, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो इजीली इसको एक्सचेंज करवा सकता है एक ही दिन में, क्योंकि एक दिन में 20,000 मतलब कि 10 नोट आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता ये आम लोगों के लिए इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। अगर बात करें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या बिजनेस पर्सन के बारे में, तो आज के डेट में जितने भी बिजनेस डील होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो बैंक टू बैंक थ्रू होता है। ऑफलाइन में कैश का यूज इतने बड़े अमाउंट में नहीं होते हैं, क्योंकि अब इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने लगा है। पर इस पर फर्क किसको पड़ेगा, फर्क उसी को पड़ेगा जिसके पास बहुत ज्यादा काला धन मतलब कि ब्लैक मनी उसके घर में या फिर कहीं पर छुपा हुआ रखा है। तो इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2000 का थोड़ा बहुत नोट है भी, तो आप उसको इजीली अपने नियरेस्ट जो बैंक ब्रांच है वहां पर जाके इजीली उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। और उसका डेट दिया गया है 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक, मतलब कि बहुत टाइम है आपके पास। और एक चीज आपको बता दूं कि 30 सितंबर के बाद भी इसका वैल्यू कम नहीं होगा, ये यूजलेस नहीं होगा, आप इसको यूज कर सकते हो। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये एक बहुत नॉर्मल चीज है। तो आई होप डिमोनेटाइजेशन के लेकर आपके मन में जितना भी सारे क्वेरीज थे इस वीडियो को देखने के बाद वो सब मिट गए होंगे। पर अगर फिर भी आपके मन में कुछ और डाउट है इसके लिए, या फिर कोई और क्वेरीज है, या फिर कोई और क्वेश्चन है, तो आप मुझे फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। हाँ, वैसे इस बारे में आपका सोच क्या है, आप इसको किस तरीके से देखते हो, गलत है सही है, या फिर जो भी कुछ सारे आप इसके बारे में सोचते हो, वो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उसको भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो आपको हमारे फैमिली में मैं स्वागत करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज अपना सपोर्ट और प्यार देना, ताकि आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन सके, उस फैमिली का हिस्सा बन सके जो कि सच में कुछ अच्छा सीखना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, और आपकी मदद से एक दिन जरूर पूरा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।